This conference will now be recorded. Assalamualaikum, आवाज आ रही है मेरी आप सबको? Can you hear me? Am I okay? जी, चल, great. तो let's wait for a few minutes, let others come, और फिर हम इंशाल्लाह start करते हैं. आज का जो टॉपिक है, कल हमने पीटर ड्रकर पे डिबेट अपनी क्लोज कर दी थी. पीटर ड्रकर की थ्योरी के दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट उसकी कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि मोर और लेस हेनरी फ्योल की कैटेगरीज या टास्क या फंक्शंस के ऊपर बेस करते हैं. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट पीटर ड्रकर डिबेटेड के सारे मैनेजर्स एक ही तरह से काम नहीं करते, सारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं होते, हर इदारा जो है उसके GMPs उसके ऑपरेशंस वेरी करते हैं. तो पीटर ड्रकर ने कहा था कि मैनेजर की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. मैनेजर्स हैव थ्री एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजिंग द बिजनेस, मैनेजिंग द मैनेजर एंड मैनेजिंग द पीपल एंड देयर वर्क. ये हमने कल डिस्कस किया था. आज हम रोजा बैथ मॉस्केंटर को डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, पेपर में भी आ चुकी है मॉस्केंटर के ऊपर. मॉस्केंटर ने बेसिकली ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज के फ्लॉज को स्टडी किया था और इसने कहा था कि मॉडर्न ब्यूरोक्रेसीज जो हैं वो कैसे बेहतर हैं वेबर की ब्यूरोक्रेसी से. वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन इतनी कन्फाइन होती हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से कि वो ग्रो ही नहीं कर सकती, उनको आप अलाउ ही नहीं करते ग्रो करना. सिंपली डोंट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो. तो मॉस्केंटर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसने ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी के फ्लॉज को हाईलाइट किया था, शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट किया था. तो मॉस्केंटर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है. फिर हम बात करेंगे विलियम आउची के ऊपर. आउची थ्योरी एक्शन थ्योरी वाई वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. तो होपफुली आज हम दो थेरीज को कवर करेंगे. दरमियान में हेनरी मेंट्सबर्ग की एक थेरी है, उसे अभी हम स्किप करेंगे. हेनरी मेंट्सबर्ग को हम रिविजिट करेंगे थर्ड चैप्टर में. लाइक हेनरी मेंट्सबर्ग क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की थेरी देता है. टेस्ट LMS पे अपलोडेड है आपका, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. पहली पाँच थेरीज का पहला टेस्ट अपलोडेड है. टाइम आप देख लें, प्रेफरेबली आज शाम तक अटेम्प्ट करके कैम स्कैन से स्कैन करके जमा करा दें. It is recommended to do attempt at it. LMS पे आपके अपलोडेड है, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. ओके, सो टुडे डिबेट इज बेस्ड ऑन मॉस्केंटर. मेंट्सबर्ग अभी हम स्किप करेंगे एंड देन वील टॉक अबाउट आउची. ठीक है, सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थियरीज टू टॉक अबाउट. पहले बात आती है हेनरी मिंट्स इसकी मॉस्केंटर की. रोजा बैथ मॉस्केंटर जो है शी हैज़ रिटन अ लॉट ऑन डिफरेंट मैनेजमेंट टॉपिक्स. प्रॉबेबली हम इसके नाम को दोबारा रिविजिट करेंगे अगले किसी चैप्टर में जाके, स्पेशली चेंज मैनेजमेंट के अंदर हम इससे बात करेंगे दोबारा. सो शी हैज वाइडली रिटन ऑन डिफरेंट टॉपिक. मॉस्केंटर ने मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इनएफिशिएंसीज ऑफ, ये जरा टाइपो एरर्स भी हैं आपकी किताब में, इनको आप रिमूव कर सकते हैं. ये इनएफिशिएंसी ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इनएफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी. दिस इज इनएफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी. ये वर्ड जो है ये ट्रेडिशनल, इट इज नॉट मॉडर्न. तो ये जो टाइपोज हैं वो आप साथ साथ बुक के अंदर देखिए करें. इस बुक में अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं विच डेफिनेटली आर नॉट गुड एट दिस लेवल. सो मॉस्केंटर ने कहा था कि
वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है ये फारिग है, ये इदारों को फेल कर देती है। इदारे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स में, इतनी लॉन्ग हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड की वजह से इंफॉर्मेशन स्लोली पास करती है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्लो है ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन के फ्लो का, जो डिसीजन का या इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, वो बड़ा स्लो है। तो मॉस्केंटर वॉज वेरी मच स्केप्टिकल एंड वेरी मच क्रिटिकल अबाउट वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। मॉस्केंटर ने कहा था कि वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था, दैट वॉज नॉट गुड, दैट वॉज वेरी पैथेटिक एंड दिस थिंग हैज टू बी रिवाइज्ड। तो इसने फिर एक मॉडल प्रेजेंट किया। इसने कहा कि अगर आपको ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज की जो खामियां हैं उनसे बाहर निकलना है, अगर आपको ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज के जो कंसर्न्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस चेंज हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, पेस ऑफ चेंज इज वेरी फास्ट, चेंज बड़ा क्विक आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अब कंप्यूटराइजेशन हो रही है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स विद इन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आई हैव नाउ फेल्ड। इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसीज इनएफिशिएंट हो गई। तो इसने टर्म इस्तेमाल की थी इनएफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हालांकि आइडियली देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब तो एफिशिएंसी को अचीव करना है ना। ब्यूरोक्रेसी का जो प्राइम पर्पज है, दैट इज टू अचीव एफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। इसका प्राइम पर्पज है कि एक इदारे में आप एफिशिएंसी लेके आए, सुपीरियर परफॉर्मेंस आप लेके आए थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो मॉस्केंटर की थ्योरी ने बड़ी एक डिबेट छेड़ दी थी कि ऐसा तो है ही नहीं, ब्यूरोक्रेसीज तो वैसे ही इनएफिशिएंट हो जाती हैं, क्योंकि जो जो एनवायरनमेंट बदलती है आपकी रिजिड नेचर ऑफ ऑपरेशंस बिकम इनएफिशिएंट। रिजिड से क्या मुराद है? अनचेंजेबल। और लार्जर स्ट्रक्चर्स में चूँकि आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े रिजिड होते थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को कोप नहीं कर सकते थे। तो इफ़ यू आर अनएबल टू कोप योर सेल्फ विद द एनवायरमेंटल चेंजेस, तो यू विल बिकम इनएफिशिएंट। मॉस्केंटर ने किताब लिखी थी टीचिंग एलिफेंट्स टू डांस 1989 में, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इस किताब में मॉस्केंटर ने लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को कॉर्पोरेट एलिफेंट्स के साथ तशबीह दी थी। इसने कहा था कि कॉर्पोरेट एलिफेंट्स जो हैं, जैसे नेस्ले है फॉर एग्जांपल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, होंडा है, ये लार्ज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो मॉस्केंटर ने कहा था कि लार्ज एलिफेंट्स जो हैं इनको सीखना चाहिए, दे शुड नीड टू लर्न टू डांस एज निम्बली एंड स्पीडिली एज माइस इफ दे आर टू सर्वाइव इन एन इंक्रीजिंग कॉम्पेटिटिव एंड रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? कॉर्पोरेट एलिफेंट्स मीन्स बड़े बड़े इदारे नीड टू लर्न टू डांस निम्बली एंड स्पीडली। चेंज की बात हो रही है कि आपको फौरन चेंज करना है अपने आप को, आपको फौरन अपने आप को एनवायरनमेंट की नीड के मुताबिक अपडेट करना है, आपको अपने आप को फौरन एनवायरनमेंट के मुताबिक ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के काबिल नहीं है, अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि आप स्पीडीली या निम्बली डांस कर सकें, सर्वाइवल आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट जितनी चेंज हो रही है आपको भी चेंज होना पड़ेगा। लाइक एलिस इन द वंडरलैंड क्रॉके गेम, ये बल्कि एक मूवी भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एलिस इन द वंडरलैंड, इसमें एक क्रॉके गेम है। क्रॉके गेम में क्या होता है कि एलिस जो है लाइक शी हैज़ टू रन, ठीक है, उसको भागना है और उसको मैन्यूवर करना है। मैन्यूवर से क्या मुराद है? मतलब देयर इज अ प्रिंसेस फॉर एग्जाम्पल, और वहाँ पे डिफरेंट वो उस पर अटैक हो रहा है और उसे मैन्यूवरिंग करनी होती है। उसको क्या करना है? उसको मैन्यूवरिंग करनी है, उसको डॉज करना है दूसरों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तो ये बेसिकली मॉस्केंटर ने, मतलब ये पैराग्राफ आपने ऐसा याद नहीं करना, हाँ लेकिन एग्जांपल के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि एलिस इन द वंडरलैंड क्रॉके गेम के अंदर क्या होता है कि यू हैव टू रन फास्टर, यू हैव टू क्रिएट मैन्यूवरिंग। मैन्यूवर का मतलब होता है कि किसी को डॉज करना, या डॉज नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, डॉज मीन्स के एनवायरनमेंट की नीड के मुताबिक फौरन अपने डिसीजन को चेंज कर लेना, फ्लेक्सिबिलिटी शो करना, पार्टनरशिप्स को डेवलप करना एम्प्लॉइज के साथ, कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ।
तो बेसिकली मॉस्केंटर ने कहा था कि कॉर्पोरेट जायंट्स को ये मैन्यूवरिंग नहीं आती, कॉर्पोरेट जायंट्स को ये मैन्यूवरिंग करना नहीं आता, एंड ओइंग टू दैट रीजन दे आर नॉट एट ऑल इफेक्टिव. बेटा टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, हम आज क्लास थोड़ी सी स्क्वीज करेंगे, बाकी टाइम मैं टेस्ट के लिए दूंगा आपको, ठीक है? वैसे टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है LMS के ऊपर. एज सुन एज द क्लास फिनिशेस यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द टेस्ट, ठीक है? वो मैं फर्स्ट आई थॉट कि मैं पूरी क्लास डेडिकेट कर दूँ टेस्ट को, फिर आई थॉट कि नहीं ऐसे आपका एक लेक्चर ना ज़ाया हो जाए. तो हम थोड़ी सी क्लास करते हैं, लेट से मैक्सिमम बाय 2:20 2:25, ठीक है? और फिर उसके बाद आप आराम से अपना टेस्ट कंडक्ट करें, 1 घंटा लें आप, और उसे फिर आप कैम स्कैन से स्कैन करके अपलोड कर दें या ईमेल जो भी आपको उन्होंने कहा, ठीक है? इज दैट ओके? तो जो डिबेट थी दैट वाज ऑन मैन्यूवरिंग, दैट वाज ऑन बीइंग फ्लेक्सिबल, दैट वाज ऑन फोकसिंग ऑन क्लोज पार्टनरशिप. एजाइल, एजाइल कहते हैं रैपिड, क्विक, रैपिडली चेंजिंग. लाइवलियर मैनेजमेंट, लाइवलियर से क्या मुराद है? हर वक्त एक्टिव. तो मॉस्केंटर ने कहा कि आजकल के दौर में जरूरत है लाइवलियर मैनेजमेंट की, एजाइल मैनेजमेंट की, जो अपॉर्चुनिटीज को परसू करे विदाउट बीइंग बॉग्ड डाउन. बॉग का मतलब होता है रुकावट बन जाना, हिंड्रेंस क्रिएट करना, बाय कम्बरसम स्ट्रक्चर और वेटी प्रोसीजर्स दैट इम्पीड एक्शन. काफी मुश्किल वर्ड यूज किए हैं सेंटेंस में. इसका आसान मतलब ये है कि आपके जो लेंथी प्रोसीजर्स हैं, जो वेटी आपके प्रोसीजर्स और लेंथी स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको कहीं रोक ना दें रैपिडली रिएक्शन से, क्विक रिएक्शन से. तो अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो आपको इमीडिएटली रिएक्ट करना होता है विदाउट बीइंग बॉग्ड डाउन बाय लेंथी प्रोसीजर्स एंड वेटी प्रोसीजर्स एंड टॉल स्ट्रक्चर्स. इन शॉर्ट, कॉर्पोरेट जायंट्स मस्ट लर्न टू डांस. ये इसकी किताब का पैराग्राफ है बेसिकली. दिस इज व्हाट शी हैज रिटन इन हर बुक. ये बुक में लिखा है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में. कैंटर की थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशनल रीबर्थ. हाँ एग्जैक्टली. देखें वही बात आ गई ना, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी के ही ड्रॉबैक्स. सो दीज ऑल आर ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज ना, ये कम्बरसम स्ट्रक्चर्स, वेटी प्रोसीजर्स, ठीक है? तो ये आपके एक्शन को इम्पीड कर देते हैं. इम्पीड से क्या मुराद है? स्लो कर देना. इम्पीड मीन्स टू स्लो यू डाउन, ठीक? तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह के एक्शंस बिल्ड होते हैं कि वेटी प्रोसीजर्स हैं, लेंथी स्ट्रक्चर्स हैं, टॉल स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसका नुकसान ये होता है कि आपकी एक्टिविटीज जो है वो हिंडर हो जाती हैं, रुकावट पैदा हो जाती है. कैंटर ने कहा था कि हाउ देन, अभी तो उसने मसला बयान किया ना. देखिए किसी भी थ्योरी के अंदर एक प्रॉब्लम होता है और एक सोल्यूशन होता है. एक इशू डिस्कस किया जाता है और उसके बाद आपको उसका हल भी बताते हैं कि आपने उसको अचीव कैसे करना है. साइंटिफिक मैनेजमेंट ने कहा कि इशू क्या है, हाउ टू बी मोर एफिशिएंट, उसका हल क्या दिया, वर्क एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स. फ्योल की थ्योरी में इशू क्या है, गुड मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उसका हल भी दिया, प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, कोऑर्डिनेट, कमांड कंट्रोल, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी दे दिए और साथ आपको GMPs भी दे दिए, ठीक है जी? अरविंद ने भी इसी तरह इशू रेज किया कि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कैसे होती है, फिर उसके 10 प्रिंसिपल्स दे दिए. सेम गोज विद वेबर. वेबर ने इशू रेज किया कि लार्ज ब्यूरोक्रेट, लार्ज स्ट्रक्चर, बड़े बड़े इदारे कैसे चलाए जाते हैं, इशू ये है कैसे चलाए जाते हैं, हल भी दे दिया, ब्यूरोक्रेसी अडॉप्ट करें. तो हर थ्योरी के अंदर आपको ये दो चीजें मिलेंगी. ये थ्योरी को पढ़ने का एक अलग तरीका है कि यू आइडेंटिफाई और हाईलाइट द मेन इशू बीइंग डिस्कस्ड एंड देन यू ट्राई टू कम अप विद अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इशू. तो मॉस्केंटर ने इशू क्या हाईलाइट किया कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी फ्लॉड हैं, खराब हैं, इनका बेड़ा गर्क हो चुका है, ठीक है? और अब ये आजकल के दौर में ये एक्सेप्टेड नहीं है. रीजन बीइंग एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही हैं, आपकी कंपटीशन ग्रो कर रहा है, कम्युनिकेशन आपकी बड़ी फास्ट हो चुकी हुई है. सो मेनी रीजंस वर ब्रॉट ऑन द सरफेस टू टॉक अबाउट द फ्लॉज ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी. तो इशू बता दिया आपको, वेल एंड गुड. अब उस इशू का आपको हल भी बताया जा रहा है. वो हल क्या दे रहे हैं आपको? रीबर्थ एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन 3 थिंग्स. ये क्वेश्चन था पेपर में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था बेसिकली. पहले उसने आपसे 3 मार्क्स में पूछा कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी क्यों फेल हो रही है, रीजनिंग करें.
और फिर अगले पार्ट में उसने पूछा आपसे कि हाउ कैन वी एलिमिनेट द ड्रॉबैक्स और द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी। तो कैंटर के मुताबिक रीबर्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या जो उसकी सक्सेस है वो डिपेंड करती है इनोवेशन के ऊपर, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स सर्विसेज, इनोवेट करें, नए प्रोडक्ट्स लेके आए, नए ऑपरेटिंग मेथड्स क्रिएट करें, सर्विसेज में जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं रिस्क टेकिंग अप्रोच को, रिस्क लेंगे, टेक ह्यूज बिजनेस रिस्क, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अडॉप्ट करें, वर्कर्स को इंपॉर्टेंस दें, नीचे वाले लेवल पे एम्प्लॉयज को इंपॉर्टेंस दें, उनको एनकरेज करें कि वो डिसीजन मेकिंग में अपना इनपुट दें। इसके लिए कैंटर ने एम्पावरमेंट का वर्ड यूज किया था। एम्पावर का मतलब होता है किसी को पावर देना, किसी को ये पावर देना कि वो डिसीजन मेकिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करे। इस फिनोमिना को हम एम्पावरमेंट कहते हैं। तो कैंटर ने कहा कि एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है, आप एम्पावर करें, मीन्स गिविंग मोर अथॉरिटी मोर पावर टू इंडिविजुअल वर्कर, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग के मैनेजर ही बताएं, वन वे कम्युनिकेशन हो जो कि होती रही थी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, एम्पावरमेंट से आप बेहतर काम कर सकते हैं। और चूंकि जब आप ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी को तोड़ेंगे तो आप टॉल स्ट्रक्चर से फ्लैट स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर में आप हायरार्कीज ऑफ मैनेजमेंट से जान छुड़वा लेते हैं, यू गेट रिड ऑफ दैट, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड से बाहर निकल आते हैं, और ये तभी मुमकिन है जब आप एम्पावर करते हैं। जब आप देखें स्पैन ऑफ कंट्रोल तभी आप वाइड कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि आपके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, नंबर वन, एंड नंबर टू दे कैन मेक डिसीजन, वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, तभी आप एम्पावरमेंट करेंगे ना। आप सारे इतने समझदार हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके कि मैं आपको छोड़ने पर ट्रस्ट करता हूँ कि आई कैन लीव द थिंग्स अपॉन यू, आई कैन लीव द थिंग्स ऑन योर डिस्पोजल, ठीक है। तो ये होती है एम्पावरमेंट। तो कैंटर की थ्योरी के दो पार्ट है, पहला पार्ट है कैंटर की थ्योरी का, कैंटर हाइलाइटेड एंड कैंटर आइडेंटिफाइड द फ्लॉज द ड्रॉबैक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी, और दूसरा कैंटर ने फिर एक सोल्यूशन दिया कि रीबर्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेट करना चाहिए, नए प्रोडक्ट्स निकालें, नई सर्विसेज निकालें, नए ऑपरेशंस निकालें, ऑर्गेनाइजेशंस को एंटरप्रेन्योरशिप को अडॉप्ट करना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को हाईलाइट करें, और ऑर्गेनाइजेशंस को पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करवानी चाहिए, एम्प्लॉयज को एंगेज करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से एम्पावरमेंट बढ़ती है, एम्पावरमेंट से फ्लैटर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होते हैं बढ़ते हैं। जितना आप एम्पावर करेंगे उतना आपकी जो डिपेंडेंस है वो टॉल स्ट्रक्चर पर कम हो जाएगी और वाइड स्ट्रक्चर पर ज़्यादा हो जाएगी। So that is how it goes. Just spare a moment, please. This conference will now be recorded. I was talking about. ये जी मैंने ही आपसे कहा था कि just spare a moment. Spare a moment means spare a moment. ओके, तो फ्लैटर स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर क्या होता है कि हमने डिस्कस किया था, लेट मी जस्ट शो इट टू यू ऑन द बोर्ड। ओके, दिस इज अ टॉल स्ट्रक्चर, अ टॉल स्ट्रक्चर विद सो मैनी लेवल्स ऑफ हायरार्की, इसे कहते हैं टॉल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट है, यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पे मैनेजर्स हैं, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, यहाँ पे फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है, यहाँ पे नॉन मैनेजर्स हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि मैनेजर्स जो हैं इनको आप एम्पावर कर सकते हैं, तो यू डोंट नीड असिस्टेंट डायरेक्टर, ये इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यू बिलीव कि असिस्टेंट मैनेजर की हमें जरूरत नहीं है, हमारी सुपरवाइजरी जो क्लास है वो इतनी मेच्योर है कि उन्हें हम एम्पावर कर सकते हैं, तो आप ये वाला एरिया भी निकाल लेंगे। तो वट इज नाउ हैपनिंग इज दैट यू आर नाउ कन्वर्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ टॉलर स्ट्रक्चर टू अ फ्लैटर स्ट्रक्चर। लाइक फ्लैट करने का लफ्जी मतलब ये होता है कि आप हायरार्कीकल लेवल्स को एलिमिनेट कर देते हैं। To make a structure flatter means that you remove the levels of hierarchy. Good?
क्लियर? हाँ मतलब शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म से क्या मुराद है, रिड्यूस्ड फॉर्म, नॉट शॉर्ट फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ टॉल स्ट्रक्चर. लेकिन ये ऐसे ही आप रिड्यूस नहीं कर देते, इसके पीछे एक बड़ी लॉजिक होती है, बड़ी डिटेलिंग होती है, इसके पीछे एक बहुत थॉट थ्रू प्रोसेस होता है. लाइक इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास आठ लेवल्स हैं और आप कहें मुझे पसंद नहीं आ रहे आठ लेवल, मुझे आठ का हिंसा ही पसंद नहीं है, चलो छः कर देते हैं, ऐसा नहीं होता. इसके पीछे एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव थॉट थ्रू प्रोसेस होता है. लेकिन आप अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं. रीस्ट्रक्चरिंग एक बड़ा क्रिटिकल फिनोमेना है. हमने तो यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे बड़ी सहूलत से ड्रॉ कर दिया, टॉल को फ्लैट में मैंने कन्वर्ट कर दिया. लेकिन जस्ट इमेजिन इफ नेस्ले इज वर्किंग ऑन अ टॉलर स्ट्रक्चर एंड इफ दे वांट टू कन्वर्ट टू अ फ्लैटर स्ट्रक्चर, तो इट मीन्स दैट लाइक दे माइट हैव टू एलिमिनेट थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज. और क्या वो थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉइज को निकालने के बाद क्या नेस्ले उसी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे काम कर पाएगा? क्या उसके जो लेवल जिनको वो अपना एलिमिनेट कर रहे हैं या रिडंडेंट कर रहे हैं, क्या उसके नीचे वाले लेवल इस काबिल भी हैं कि वो उनका काम संभाल सके? तो ये इट्स अ वेरी यू नो थॉट थ्रू डिबेट. और फिर आप एक कॉन्स्टेंट एनवायरमेंटल प्रेशर में ऑपरेट कर रहे होते हैं, आप एक कॉन्स्टेंट एनवायरमेंटल प्रेशर का हिस्सा होते हैं, तो यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट इट कि वेदर और नॉट आपकी ये मजबूरी है या आपकी ख्वाहिश है. अगर तो एनवायरमेंटल प्रेशर्स बहुत एक्सट्रीम है, कॉस्ट कटिंग करनी है, तो फिर तो फ्लैट स्ट्रक्चर पे जाना आपकी मजबूरी है. ठीक है, तो मजबूरी में और विलिंगनेस में फर्क होता है. विलिंगनेस आपकी ख्वाहिश होती है, आप चाहते हैं कि ये हो. मजबूरी जो है दैट बिकम्स मैंडेटरी, वो आप पे लागू हो जाता है कि नहीं अब तो ये करना ही करना है वरना गुजारा नहीं है. ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे शदीद भूख लगी हुई है तो घर में अगर साबत मसर भी पके हुए हैं तो मजबूरी है ना, खाना पड़ेगा. ठीक है, पेट तो भरना है. लेकिन रात के किसी पहर अगर भूख लग गई है तो पिज्जा का दिल कर आया है या, तो उस वक्त विलिंगनेस है, पिज्जा ऑर्डर कर देंगे. ठीक है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि विलिंगनेस में और आपकी नेसेसिटी में क्या फर्क होता है. नेसेसिटी जो है दैट इज ड्रिवन बाई एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, लेकिन जो विलिंगनेस होती है, जैसे आप अपनी ख्वाहिश कहते हैं, जैसे आप अपनी डिजायर कहते हैं, ये आपकी अपनी सवाबदीद के ऊपर है कि आप चाहें तो जो मर्जी अडॉप्ट कर. बेसिकली दिस इज हाउ इट वर्क. ओके, सो लेट्स गेट बैक. सो मॉस्केंटर ने ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको हमें ऐसे अपडेट करना है, इनको हमें ऐसे चेंज करना है, क्योंकि इसने कहा था कि अगर लोग अपने डिसीजन खुद ले सकें तो फिर सुपरविजन की नीड कम हो जाती है. जब सुपरविजन की नीड कम होती है तो इसलिए देखें एम्पावरमेंट एंड फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, दे आर वेरी कंसिस्टेंट, दे आर वेरी मच सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. तो जितनी आप एम्पावरमेंट करेंगे उतना स्ट्रक्चर भी फ्लैट हो जाएगा. ऑलराइट, द मोर यू एम्पावर द फ्लैटर स्ट्रक्चर यू वुड हैव. एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू मेक कि जितनी आप एम्पावरमेंट करते हैं उतना आपका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट हो जाता है, क्योंकि उतनी आपकी जो डिपेंडेंस है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर थोड़ी सी कम हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स. ओके, हेनरी मिंट्सबर्ग को हम कैरी करेंगे थर्ड चैप्टर में. हेनरी मिंट्सबर्ग भी एक मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी था, लेकिन हेनरी मिंट्सबर्ग ने काम किया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर. इसने हमें कहा था कि मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रक्चर, तो इसने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था. लेकिन अभी चूंकि स्ट्रक्चर पे हम पहुंचे नहीं है, ये पूरा मॉडल थर्ड चैप्टर में भी रिपीट होगा. सो दैट इज अ रेपिटिशन. फर्स्ट चैप्टर में इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो आपके सामने है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, और थर्ड में इसकी प्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ अ स्ट्रक्चर. हाँ, लेकिन इसकी थ्योरी का जो एक पार्ट है वो है रोल्स ऑफ मैनेजर, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. तो इसकी थ्योरी के दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है मैनेजर के रोल्स. ये क्वेश्चन भी दो दफा आ चुका है पेपर में, रोल्स ऑफ मैनेजर, हेनरी मिंट्सबर्ग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो दफा अपेयर हो चुका है, रोल्स ऑफ मैनेजर्स. और दूसरा पार्ट है इसकी थ्योरी का स्ट्रक्चर का. तो स्ट्रक्चर का पार्ट हम कैरी करेंगे थर्ड चैप्टर में, रोल्स हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस कर लेंगे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट रोल्स ऑफ मैनेजर्स. अच्छा, अगेन चूंकि मॉडर्न थियरिस्ट है, मॉडर्न राइटर है मैनेजमेंट की दुनिया का, तो इसने भी डिसएग्री किया था कि व्हाट मैनेजर्स एक्चुअली डू. जो फ्योल ने कहा था कि मैनेजर्स क्या करते हैं, जी मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट, कमांड और कंट्रोल करते हैं, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, लाइक व्हाट मैनेजर्स डू, जो यहाँ भी लिखा हुआ है कि
द क्लासिकल थियरीज के मुताबिक फियोल के मुताबिक रोल ऑफ मैनेजर जो है वो ये है टू प्लान टू ऑर्गेनाइज कमांड कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल वेरी सिंपल. मिंट्सबर्ग ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, ये तो करना ही करना है मैनेजर से. इसके अलावा मैनेजर्स और बहुत से काम करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल एक सेल्स मैनेजर है वो अपने ड्यूटी आवर्स में क्लाइंट से मिलता है, जाके कस्टमर से मिलता है, नेटवर्किंग करता है. अब नेटवर्किंग जो है वो इनमें से किसी फंक्शन में फॉल नहीं कर रही. नेटवर्किंग ना प्लानिंग का हिस्सा है, ना ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है, ना कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग का. नेटवर्किंग जो है दैट इज समथिंग इन व्हिच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. ओके फाइन, आप अच्छा अगर सॉलिड नेटवर्क ऑफ कस्टमर बना लेते हैं तो शायद फ्यूचर में उस सॉलिड नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स की बेस पे आपके पास अच्छे ऑर्डर्स आ जाएं. लेट्स से इसी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. इसी तरह मैनेजर्स बहुत सारा टाइम अपना सेरिमोनियल एक्टिविटीज में स्पेंड करते हैं. सेरिमोनियल एक्टिविटीज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना. अब लोगों से मिलना जो है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी पिलर ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योल. ना प्लानिंग का हिस्सा है, ना ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है, ना कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग का हिस्सा है. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन. दैट इज समथिंग विच इज यूनिक इन बिल्ट. एक अपना रोल है. मैनेजर्स इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन पे ज्यादा रिलाय करते हैं एज कम्पेयर टू फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन. ये अगेन मॉडर्न मैनेजमेंट का फिनोमेना है विच निगेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी, जहां पे वो कहता है कि सब कुछ लिख के करना है, हर चीज इन राइटिंग होनी चाहिए. जबकि आजकल के दौर में हम ज्यादा वर्बली कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल की क्लास 120 पे स्टार्ट की. अब फास्टर मैनेजमेंट ये है कि मैंने परसों की क्लास में आप सबको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि जी कल हम क्लास 120 पे स्टार्ट करेंगे. जस्ट इमेजिन कि अगर ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता तो मैं आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट ना करता. नंबर वन, मैं मंडे को एक एप्लीकेशन लिखता प्रिंसिपल साहब को या SGL के प्रोग्राम डायरेक्टर को कि जी मुझे ट्यूसडे को क्लास जो है वो 120 पे स्टार्ट करनी है फॉर सो एंड सो रीज़न. ठीक है, वो मेरी एप्लीकेशन पढ़ते, उस पर अपने साइन करते, वो एप्लीकेशन शायद उनसे ऊपर के किसी डिपार्टमेंट में जाती, वहाँ से सिग्नेचर होते, वहाँ से वो एप्लीकेशन जो है वो आपके इधर कोऑर्डिनेटर के पास आती, जो ऑनलाइन कोऑर्डिनेटर है, वो मेरी क्लास की स्लॉट को 15 मिनट पीछे खींचता, वो देखता कि क्या स्टूडियो कहीं और तो नहीं एंगेज उस वक्त, क्या स्टूडियो अवेलेबल. इतना कम्बरसम प्रोसेस हो जाता कि कम्युनिकेशन सही ना हो पाता. इसके बरक्स एक क्विक मोड क्या अडॉप्ट किया मैंने. आई अडॉप्टेड अ क्विक मोड लाइक आई अनाउंस यू कि मैंने क्लास जो है वो 120 से स्टार्ट करनी है एंड आई ऑलरेडी न्यू कि हो सकता है स्टूडियो का इशू पैदा हो जाए. तो आई वॉज प्रोएक्टिव फॉर टेकिंग द क्लास ऑन माई ओन लैपटॉप एंड नॉट इवन फ्रॉम द स्टूडियो फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम माई ऑफिस समवेयर एल्स. ये जो प्रोसेस है ये आपके काम को स्पीडी कर देता है. और मैनेजर के इस तरह काम करने के प्रोसेस को हम इन पांचों फंक्शंस में कहीं पे भी रैंक नहीं करते. ना वो प्लानिंग का हिस्सा है, ना वो ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है, ना वो कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग का हिस्सा है. वो सब कुछ यू नो डिस्पर्स्ड है, वो डिस्पर्स्ड है. बात में जा रही है ना. इसी तरह मैनेजमेंट की बहुत सारे जो डिसीजंस हैं वो उनकी जजमेंट पे बेस करते हैं, इंट्यूटिव होते हैं. इंट्यूटिव से क्या मुराद? इंट्यूशन का वर्ड सुना हो आपने. गट फीलिंग क्या होती है? व्हाट इज योर गट फीलिंग? छठी हिस जैसे कहते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे डिसीजंस मैनेजमेंट प्लान किए बगैर लेते हैं, गट फीलिंग पे लेते हैं, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग करते हैं. तो जितनी आप डिसीजन मेकिंग इंट्यूटिव करेंगे दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. सो बेसिकली मिंट्सबर्ग ने ये कुछ एक्टिविटीज को रिसर्च किया था और इस रिसर्च की बेस पे, इन एक्टिविटीज को स्टडी करने की बेस पे मिंट्सबर्ग ने कहा कि मैनेजर जो है ये ब्रॉडली स्पीकिंग तीन किस्म के रोल्स प्ले करते हैं. मिंट्सबर्ग ने कहा कि मैनेजर जो है ये ब्रॉडली स्पीकिंग तीन किस्म के रोल्स प्ले करते हैं, जिनको हम आगे फर्दर फिर 10 किस्म के डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट रोल्स में कैटेगराइज कर देते हैं. यहाँ पर ये वर्ड फंक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, बेसिकली ये 10 रोल्स ही हैं. Three main categories of role further bifurcated in 10 different roles. तो अगर रोल ऑफ मैनेजर पे क्वेश्चन आता है, आवाज नहीं आ रही मेरी? Can you hear me? Am I loud and clear? Okay. Okay, good. तो roles of manager जो है ये basically तीन categories में divided है और ये बड़े interesting roles हैं. Paper में decision making roles आ चुके, informational roles आ चुके, इंटरपर्सनल नहीं आया अभी.
आठ मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ चुका, छः मार्क्स का इस पे आ चुका, इस पे नहीं अभी तक सवाल आया पेपर में। शायद ये पता नहीं एग्जामिनर को नाराजगी है कुछ इंटरपर्सनल रोल से, शायद आपकी दफ़ा पूछ ले। सेंटिमेंट्स ना कहते हैं कि जी तीन कैटेगरी है रोल्स की हमारे पास, और मैनेजर इन तीन कैटेगरीज में से 10 मुख्तलिफ किस्म के रोल्स प्ले कर सकता है। इन 10 मुख्तलिफ किस्म के रोल्स में तीन रोल्स जो हैं वो इंटरपर्सनल लेवल पे होते हैं, तीन रोल्स इंफॉर्मेशनल लेवल पे होते हैं, और चार रोल्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग लेवल पे होते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स में आपका जो किरदार है वो लोगों से मिलना होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। इंटरपर्सनल रोल्स में डोमिनेंट फिनोमेना है वो ये, दैट हाउ डू वी क्रिएट नेटवर्क ऑफ पीपल, हाउ डू वी मीट पीपल। इंफॉर्मेशनल रोल्स में मैनेजर का जो कंसर्न होता है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होता है, इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, किन किन चैनल्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, किन किन चैनल्स में इंफॉर्मेशन लेनी है। और डिसीजन मेकिंग रोल में एज द नेम सजेस्ट डिसीजन मेकिंग करनी होती है आपने, क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है। सो ऑल ऑफ दीज रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स गो थ्रू दीज रोल्स वन बाई वन। तो जो पहला रोल मैनेजर का हम डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल्स एज द नेम सजेस्ट, द रोल्स आर प्राइमरली बेस्ड ऑन डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इसमें तीन कैटेगरीज हैं, फिगर हेड, लीडर एंड लेजॉन। फिगर हेड, लीडर एंड लेजॉन। फिगर हेड कहते हैं उर्दू में नुमाइंदे को, फिगर हेड का लफ्जी मतलब होता है नुमाइंदा। ठीक, मतलब फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी महफिल में होते हैं तो आप अपनी फैमिली की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, ऐसे ही लाइक यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आई कैप की एनुअल मीटिंग होती है या आई कैप की राइट्स की मीटिंग होती है लेट्स से, तो आई कैप जब राइट्स की मीटिंग कॉल करता है तो उसमें लेट्स से वो स्पैक के प्लेटफॉर्म से प्रिंसिपल साहब जाते हैं, कोई एक दो फैकल्टी मेंबर्स जाते हैं, तो दे आर द फिगर हेड ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैक है एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ आई कैप। ठीक है, तो फिगर हेड ये नुमाइंदगी होती है, नुमाइंदगी क्यों करते हैं, ताकि आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकें। तो फिगर हेड का मतलब ये होता है कि टू रिप्रेजेंट योर ऑर्गेनाइजेशन एट सम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इसे कहते हैं फिगर हेड। तो मैनेजर क्या करते हैं, सेरेमोनियल, इट्स अ सेरेमोनियल रोल, क्योंकि सेरेमनी के ऊपर ही आप फिगर हेड का रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शादी में जाते हैं तो दैट्स अ सेरेमोनियल रोल। ठीक है, एट इवेंट, पब्लिक इवेंट, पब्लिक फेस होते हैं इदारे का, मैनेजर जो है वो अपनी इदारे की नुमाइंदगी करते हैं। इनफैक्ट व्हेन दे डील विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल, और ये भी होता है कि अदर पीपल माइट रिफ्यूज टू डील विद एनीवन एक्सेप्ट द मैनेजर बिकॉज द मैनेजर फॉर्मल पोजीशन इंस्टीट्यूट। कहते हैं ना कि यार नहीं, अपने मैनेजर से बात करो, मैंने तुमसे बात नहीं करनी, क्योंकि वो फिगर हेड है, ही हैज़ मोर अथॉरिटी, ही इज मोर यू नो पोजेसिंग मोर पावर। सो फिगर हेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर हेड्स की बेस पे आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं। फिगर हेड्स की बेस पे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं। द सेकेंड रोल इज लीडर। लीडर में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लीडर कौन होता है जो इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है, अगेन इंटरपर्सनल रोल है, लीडर भी इज अ रोल इंटरपर्सनल है। लीडरशिप नॉर्मली इंटरनल होती है, फिगर हेड नॉर्मली एक्सटर्नल होती है, आप बाहर की दुनिया में जाकर नुमाइंदगी करते हैं। इंटरनली भी होती है, फॉर एग्जाम्पल एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर, AGM के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड जो है वो अपने डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो फिगर हेड कैन भी इंटरनल कैन भी एक्सटर्नल, लेकिन लीडर जो हमेशा इंटरनली होता है। लीडर क्या करता है, मोटिवेट करता है, हायरिंग करता है, फायरिंग करता है, हम बात सारी पहले कर चुके हैं। देन वी हैव लेजॉन। लेजॉन का रोल क्या होता है, लेजॉन क्या करता है, लेजॉन जो है ब्रिजिंग करता है, लिंक करता है, ब्रिज करता है। लेजॉन ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ब्रिज करता है, एक्ट एज अ लिंक और अ ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने इदारे के बिहाफ पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर से मिल रहे हैं ताकि आप वहां से बिजनेस लेके आए, आप वहां से इंफॉर्मेशन लेके आए, तो ये जो रोल है आपका, दैट इज द रोल ऑफ ब्रिजिंग। इसमें आप क्या कर रहे हैं, ब्रिजिंग कर रहे हैं, दिस इज वेयर यू व्हाट वी कॉल एज ब्रिजिंग। ठीक, तो ब्रिज करने का मतलब ये है कि आप कनेक्ट करते हैं अपने इदारे को दूसरे इदारे के साथ, यू कनेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं ब्रिज करना।
या इनफैक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान भी लिजॉन्स होते हैं. मार्केटिंग वाले लिजॉन करते हैं एचआर के साथ, क्योंकि डिपार्टमेंट्स ऑल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू देयर मैनेजर्स. तो मैनेजर्स जो हैं वो फिर ब्रिजिंग करते हैं वो इन्फॉर्मेशन. ये खैर यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन का रोल अच्छा नहीं है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का नहीं लिखा होना चाहिए. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लिंक कर रहे हैं, ब्रिज कर रहे हैं. अब उस ब्रिज के ऊपर हो क्या रहा है वो हम डिस्कस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशनल रोल्स के अंदर. कि आप इन्फॉर्मेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं या डिसेमिनेशन कर रहे हैं या आप स्पोक्स पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, दैट इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशनल रोल्स में और डिसेमिनेशन में ये स्लाइट डिफरेंस मौजूद है. ठीक है, इन्फॉर्मेशनल रोल्स हम इंशाल्लाह फिर कल स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये हम कल डिस्कस करते हैं डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशनल रोल्स. कल हम हेनरी मिंट्सबर्ग को वाइंड अप करके तो हम जाएंगे आउची के ऊपर. कल हम आउची की थ्योरी तक पढ़ लेंगे, परसों हम इंशाल्लाह मैकग्रेगर पे जाएंगे. लाइक इस वीक में हम इंशाल्लाह अपनी थ्योरी सारी कम्प्लीट. मैं अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग यू पीपल अवेयर ऑफ हाउ टू रीड द थ्योरी और हाउ टू रीड द टेक्स्ट, क्योंकि हमारी जो रीडिंग एबिलिटीज हैं वो बड़ी पुअर हैं. आई एम जस्ट मेकिंग यू पीपल अ बिट ट्यून. ठीक है, तो ये स्पीड हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह विद इन अ वीक और सो मैक्सिमम, जब मुझे अंदाजा हो जाएगा कि अब आप लोग थोड़े से ट्यून हो गए हैं, अब आपको समझ आना शुरू हो गया चीज़ों में. आई होप कि माई स्पीड इज़ नॉट टू स्लो, बहुत स्लो भी नहीं है कि आप ये कहें कि कोर्स भी टाइम पर कवर हो गया नहीं होगा. ठीक है, बट वी विल डेफिनेटली बिल्ड द पेस. पहला चैप्टर अमूमन सबसे देर में ख़त्म होता है नॉर्मली, क्योंकि इसमें पेस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है. बट वंस द पेस इज बिल्ट फिर हम फुल थ्रॉटल पे ऑपरेट करते हैं. जहाज को कभी देखा हो आपने दौड़ते हुए रनवे के ऊपर, या कभी आपने एयर ट्रेवल डेफिनेटली किया होगा सबने, तो जब जहाज रनवे पे हैंगर पे आता है, हैंगर से वो उस पे आता है रनवे पे आता है, तो इनिशियल स्पीड थोड़ी स्लो होती है एंड देन इट सिंपली बूम्स टू टेक ऑफ. तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव. फिर ओ आर में बात करेंगे, ओ आर के बाद फिर हम क्लासिकल और इसका डिफरेंस, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट स्किल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके जी. सो टेस्ट इज अपलोडेड ऑलरेडी, डाउनलोडेड, अटेम्प्टेड. कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप बेशक व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा. ठीक है, सी यू टुमारो इंशाल्लाह. थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़.